ज्यादा ठंडी है, इतनी ठंडी में स्कूल वाले छुट्टी क्यों नहीं दे देते। वाह क्या जबरदस्त कार है, बहुत महंगी लगती है। फुकुरोकोजी ने ली स्कूल में एंट्री। मैंने इस लड़के को पहले भी देखा है। ये है फुकुरोकोजी परिवार का एक लौता वारिस। अगर कोई परिवार ओबो परिवार जितना अमीर है तो वो यही है। यहाँ सब लोग ठंड से कांप रहे हैं और सिर्फ मेरे पास ही हीटर वाली गाड़ी है जो ठंड को टाटा बाय बाय कर देती है। अमीर होने के बहुत फायदे हैं। एक और लड़का आ गया अपनी अमीरी झाड़ने के लिए। पैसों के दम पर कितना अकड़ रहा है। चलिए राजकुमार अपना यूनिफॉर्म पहन लीजिए। वाह ओबो चापा क्या गाड़ी लेकर आए हो। अच्छी है ना, मैंने इसका इंटीरियर डिजाइन हवा हवाई थीम पर करवाया है। इसे कहते हैं असली अमीरों वाला स्टाइल। सही कहा ना? ये बेकार है, मैं ऐसा स्टाइल दिखाऊंगा कि तुम्हारा स्टाइल ठंडा पड़ जाएगा। तुम तो ओबो परिवार के वायरस हो। मैं तो वायरस हूँ, वायरस तुम होगे। मेरा नाम है ओबो चापा, रहता हूँ मजामा, सबको लगता हूँ बड़ा क्यूट। तुम अमीर हो इसलिए मस्का मारते होंगे। तुम क्यूट नहीं हो, तुम तो पूरे के पूरे कार्टून लगते हो। सुना तुमने, उस लड़के ने कहा कि मैं कार्टून लगता हूँ। छोड़ो ना, उसकी बातों का क्या बुरा मानना। मेरा नाम है फुकुरोकोजी कानेमित्सो। मेरा नाम है इजिस्के। मैं हूँ बिनिस्के। हमने स्कूल में एडमिशन लिया है। क्या कहा, तुम तीनों ने स्कूल में साथ में एडमिशन लिया है। एडमिशन पर कोई ऑफर चल रहा था क्या, एक के साथ दो फ्री है? इस घड़ी में ऐसा क्या है कि ये 3 करोड़ की है। घड़ी तो बहुत चमक रही है। यहाँ भी पहनी है और यहाँ भी, दोनों हाथों और दोनों पैरों में। चामा तुम्हारी घड़ी कहाँ है, दिखाओ तो जरा। नहीं है। यहाँ भी नहीं है। इसके हाथ और पैर दोनों खाली है, एक भी घड़ी नहीं है। ये लड़का तो गरीब निकला। इस वक्त कितने बजे हैं बताओ। सर 10:05 बचे हैं, मतलब 9:55। अगली क्लास स्टार्ट होने में कितना टाइम है? अगली क्लास स्टार्ट होने में 4:30 है। थैंक यू निंजा अंकल। वेलकम। मैं घड़ी जैसी छोटी मोटी चीज यूज नहीं करता। घड़ी कोई छोटी चीज नहीं है। तुमने देखा, मेरे पास अपना चलता फिरता निंजा वॉच है। जब वो टाइम बता सकता है तो खुद टाइम देखकर टाइम वेस्ट क्यों करना। निंजा अंकल टाइम बताओ। क्लास स्टार्ट होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं सर। थैंक यू अंकल। अरे ओबो चापा ने सिर्फ टाइम बताने के लिए पर्सनल वॉचमैन रखा है। ये वाला राउंड भी यही जीत गया। छोड़ूंगा नहीं उस चामा को। खाओ ना, तुम लोग भी खाओ ना, ये खाना बहुत ही टेस्टी है। दिखने में तो टेस्टी लग रहा है, तुम भी खाओ ना। खाओ ना चामा। मैं ये खाना खाऊं? खाओ खाओ, फ्री में। नहीं ये बात नहीं। तो ये तुम्हारे खुशी के आंसू है। मुझे कुछ और खाना था। आज खाने में मेरी फेवरेट चीज बनने वाली थी। हाँ आज खाने में आलू का पकौड़ा है। मैं कितने दिनों से वो खाने का इंतजार कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं मिला। कैंटीन वाली आंटी खाना दो। चामा चामा। आंटी मैंने आलू पकौड़े बनाए हैं, क्या तुम खाना चाहोगे? मैं खाऊंगा, मैं सारा खाना खाऊंगा आंटी, मुझे दो। चामा चामा मैं आ रहा हूँ आंटी। आंटी तुम नहीं खाते तो मुझे आज के पैसे नहीं मिलते। मुझे भी नहीं खाना, कैंटीन वाली आंटी हमारे लिए रोज कितने प्यार से अलग अलग तरह का खाना बनाती है। मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी आलू का पकोड़ा खाना है। मुझे भी ये खाना नहीं खाना। आ जाओ दोस्तों, मिलकर खाएंगे बहुत सारे आलू के पकोड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं आप सभी को दुआएं देती हूँ, मैं खुश हूँ। ये राउंड भी वही जीत गया। मैं बार बार ऐसी बेइज्जती नहीं सह सकता। मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं और मैं नहीं हारूंगा। मैं उस चामा के बच्चे को सबक सिखाऊंगा।
तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। सारी दुनिया का बोझ मैं उठा लूंगा, लेकिन उफ भी नहीं करूंगा। लेकिन दिमाग के घोड़े दौड़ाकर और कछुओं को दौड़ाकर काम कितना आसान हो जाता है। कितना भारी है, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं। टीचर ने सफाई की ड्यूटी दी है, अगर इसको अच्छे से नहीं किया तो फेल कर देंगे। अरे ये खतरनाक चीज क्या है? इसका नाम है सफाई की तो। इसमें इतनी ताकत है कि कचरे के साथ साथ इंसान को भी साफ कर दे। ये सुपर मशीन है। कचरे के साथ साथ तुम भी साफ हो जाओगे। मुझे डर लग रहा है काकिनो। भागो भागो भागो, जान बचाकर भागो। मेरे पास भी अटैक करने का ठीक है। देखा चमकवार, मैंने तुमसे दोस्ती करने की कोशिश की, पर तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। अब से तुम मेरे दुश्मन हो। अब दुश्मनों से मैं प्यार नहीं, उन पर बात करता हूँ। तैयार हो जाओ मेरी दुश्मनी झेलने के लिए। दोबारा कभी मुझसे पंगा नहीं लेंगे। ओ, गए काम से। हाँ? देखो हमने क्लासरूम का क्या हाल किया। ये तो कभी साफ नहीं कर पाएंगे। एक आइडिया है। जीत गया। ये बोलना बंद करो, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। अब घर जाकर सोऊंगा। तुम स्कूल के बाद ट्रेनिंग के लिए नहीं आ रहे? नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं घर जा रहा हूँ। ये तो कछुओं की सवारी करके जा रहा है। लगता है बेचारे के पास पैसे नहीं बचे। मुझे देखो, मैं आया महंगी कार में हूँ और जा रहा हेलीकॉप्टर में हूँ। कुकुरों को जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मेरा हेलीकॉप्टर जबरदस्त है। ये क्या, इतने सारे हेलीकॉप्टर किसके हैं? क्या आप कुकुरों को जी परिवार के वारिस हैं? ये सब हमारे चामा बाबा के हेलीकॉप्टर हैं। क्या उसके अपने हेलीकॉप्टर्स? हम सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से अपने घर पहुंच जाए। इतने सारे हेलीकॉप्टर के साथ? चमा चमा अभी अभी रैंक मुड़े हैं और बिल्कुल सेफ है। ओके सर, 200 मीटर तक सीधे जाने वाले हैं और आस पास कोई नहीं है। हमारी नजर उन पर बनी हुई है, हम अपडेट करते रहेंगे। ओके सर, ओके सर। अभी एक बाइक वाला पास से गुजरा है। चमा चमा 40 मीटर के बाद टर्न लेने वाले हैं। ओके सर। ये भी कोई बात हुई, इतने सारे हेलीकॉप्टर से उसको घर पहुंचाने के लिए। जितने पैसे ओबो परिवार चामा की सिक्योरिटी पर खर्च करता है, उतना तो कोई देश बॉर्डर की सिक्योरिटी पर भी नहीं करता। क्या क्या कहा, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पर ओबो चामा का परिवार उसे बहुत प्यार करता है। इमरजेंसी, चामा लड़खड़ा के नीचे गिर गया है। गिर गए हैं। हेलीकॉप्टर नंबर 4 मेडिकल किट के साथ इमरजेंसी लैंडिंग करो। ओके सर। पर वो पहाड़ से थोड़ी गिरा है। आपको आपको तो बहुत लगी है, आपको तो बहुत सारी खरोचें आई हैं। इंजेक्शन देना है।